हाय हेलो एवरीवन, इस वीडियो के अंदर हम इम्पॉर्टेंट केसेस देखेंगे आर्टिकल 14 के, जो कि राइट टू इक्वालिटी के बारे में बात करता है। ये केसेस आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम के लिए, चाहे आप जुडिशरी के एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर कोई और एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हो, और आपके सिलेबस के अंदर अगर कॉन्स्टिट्यूशन आता है तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट केसेज रहेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इससे पहले भी हमने सभी इंपॉर्टेंट केसेज कवर किए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, तो उनको भी आप ज़रूर देखिएगा। और अगर आप जुडिशरी की कोचिंग करना चाहते हैं घर बैठे ऑनलाइन, तो आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर सकते हैं 7531000390 के ऊपर, और आप डिटेल ले सकते हैं कि किस तरीके से हमारी ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट होती हैं। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं अपने पहले केस के ऊपर। स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश वर्सेज अमित श्रीवास, ये 2020 का केस है। इसके अंदर बोला गया कि जो राइट टू इक्वालिटी है जो हमें आर्टिकल 14 के अंदर दे रखी है, ये नेगेटिव इक्वालिटी नहीं है। यानी कि अगर किसी पर्सन को कोई बेनिफिट रॉन्गली दिया गया है, किसी चीज़ का बेनिफिट अगर उसने गलत तरीके से लिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी बोलो कि मेरे साथ भी इक्वालिटी की जाए और वो गलत चीज़ मुझे भी दी जाए। इट कैन नॉट बी रिलाइड अपॉन टू परपेचुएट इलीगलिटी और इररेगुलरिटी। अगर किसी व्यक्ति को कोई इलीगलिटी से कोई चीज़ मिली या इररेगुलरिटी से कोई चीज़ मिली, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप राइट टू इक्वालिटी के चलते आप बोलो कि उसको ये बेनिफिट मिला तो मुझे भी ये बेनिफिट दिया जाए। ठीक है, तो पहला केस आता है स्टेट ऑफ एमपी वर्सेज अमित श्रीवास। देन स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेज अनवर अली सरकार, AIR 1952। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट क्या हेल्ड करता है कि ये जो एक्सप्रेशन है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये कॉरोलरी है कि कौन सी एक्सप्रेशन के, इक्वलिटी बिफोर लॉ के। जब हम आर्टिकल 14 को देखते हैं तो हम इन ही दो टर्म्स को अच्छे से समझते हैं, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ के, और ये जो दोनों टर्म्स है एक दूसरे के कॉरोलरी है। और ऐसी सिचुएशन इमेजिन करना बहुत ही डिफिकल्ट है जहाँ पे इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का अगर वॉयलेशन होता है तो वहाँ पे इक्वलिटी बिफोर लॉ का वॉयलेशन ना हो रहा हो, ऐसी सिचुएशन को सोचना बहुत ही मुश्किल है। तो ये बात बोली गई स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेज अनवर अली सरकार के केस के अंदर। अब देखिए, बहुत डिटेल में अगर आपको आर्टिकल्स को समझना है तो उसके लिए हमने सेपरेट वीडियो बना रखी है, उसको आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम सिर्फ इंपॉर्टेंट केसेस को देख रहे हैं ताकि आपके केस लॉज कंप्लीट हो जाएँ। चलिए अब हम नेक्स्ट केस के ऊपर आते हैं, इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेज राज नारायण, AIR 1975। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट रूल ऑफ लॉ एम्बॉडीड इन आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। की जो हमारा आर्टिकल 14 है ये क्या है, बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, और इसको हम अमेंड नहीं कर सकते। जो आर्टिकल 368 के अंदर हम अमेंडमेंट करते हैं उसके थ्रू, ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, और बेसिक स्ट्रक्चर को हम अमेंड नहीं कर सकते एक अमेंडमेंट ला के। तो ये चीज़ इसके अंदर हेल्ड हुई कि आर्टिकल 14 क्या है, हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, और इसको हम चेंज नहीं कर सकते थ्रू अमेंडमेंट। देन आर के गर्ग वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, AIR 1981 का केस है। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्या हेल्ड किया कि आर्टिकल 14 फॉरबिड्स क्लास लेजिस्लेशन, की आर्टिकल 14 हमें क्लास लेजिस्लेशन करने से मना करता है, लेकिन ये हमें रीजनेबल क्लासिफिकेशन करने से मना नहीं करता। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखिएगा, इस केस को भी याद रखिएगा, आर के गर्ग वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, कि इसके अंदर हमें क्लास लेजिस्लेशन करने से मना किया गया है लेकिन हमें रीजनेबल क्लासिफिकेशन करने से मना नहीं किया गया है। देन स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेज अनवर अली सरकार, 1952। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट डिफरेंशिया विच इज़ अ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट आर टू डिफरेंट थिंग्स, कि जो हम डिफरेंस कर रहे हैं, मतलब जो डिफरेंशिया है जो कि एक क्लासिफिकेशन का बेसिस है, और एक एक्ट का जो ऑब्जेक्टिव है, ये अपने आप में दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू हैव नेक्सेस बिटवीन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट। तो ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम कुछ ना कुछ नेक्सेस यानी कि कनेक्शन निकालें, जो हमने क्लासिफिकेशन किया उसके बेसिस पे, और जो हमारा एक्ट है उसके ऑब्जेक्ट के लिए। जैसे अगर कोई एक्ट बना है तो उसका जो ऑब्जेक्ट है उसके बीच में, और जिस बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं उसके बीच में कोई ना कोई कनेक्शन होना चाहिए। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, ये चीज बोली यहां पे। देन चितनजीत लाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, AIR 1951, सुप्रीम कोर्ट 41। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट क्या हेल्ड करता है, दैट लॉ मे बी कॉन्स्टिट्यूशनल इवन दो इट अप्लाइज टू सिंगल इंडिविजुअल ऑन अकाउंट ऑफ स्पेशल सर्कमस्टांसिस, कि एक लॉ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल होगा चाहे वो एक सिंगल ही इंडिविजुअल के लिए के ऊपर अप्लाई क्यों ना हो रहा हो किसी स्पेशल सर्कमस्टांसिस के अंदर। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हम उस सिंगल इंडिविजुअल को क्या ट्रीट करेंगे, क्लास ट्रीट करेंगे। द प्रिजम्पशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिटी इज ऑलवेज इन फेवर ऑफ द स्टैच्यू, कि ये जो प्रिजम्पशन होती है कि कोई लॉ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल ही होगा, ये स्टैच्यू के फेवर के अंदर होती है, बात प्रिजम्पशन होती है हमारी। और जो व्यक्ति ये इसकी किसी भी एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को चैलेंज करता है, तो उसके ऊपर ये बर्डन ऑफ प्रूफ आता है कि वो ये शो करे कि ये जो लॉ है वो आर्बिट्री और अनरीजनेबल है। ये चीज़ बोली गई चितनजीत लाल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के केस के अंदर। देन कम्स आर नेक्स्ट केस, दैट इज DS नकारा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, AIR 1983। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट डॉक्ट्राइन ऑफ क्लासिफिकेशन वॉज इवॉल्व टू सस्टेन अ लीगलाइजेशन
लेजिस्लेशन टू स्टेट इन ऑर्डर टू हेल्प वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो सिंपल सी चीज़ है कि हम जो डॉक्ट्रिन ऑफ क्लासिफिकेशन करते हैं क्यों हुआ, ताकि जो हमारी स्टेट है वो लेजिस्लेशन को बना सके, लॉज बना सके किसके लिए, वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए। तो सिंपल सी बात बोली गई इस केस के अंदर। देन कम्स आर नेक्स्ट केस, दैट इज ईपी रोयप्पा वर्सेज स्टेट ऑफ तमिलनाडु, AIR 1974। इसके अंदर क्या हेल्ड हुआ कि आर्टिकल 14 स्पेल्स द ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ इक्वलिटी विच इज़ बेस्ड ऑन रीजनेबल क्लासिफिकेशन। कि जो आर्टिकल 14 है वो कौन से इक्वलिटी की बात कर रहा है, ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ इक्वलिटी की बात कर रहा है, जो किसके ऊपर बेसिस है, रीजनेबल क्लासिफिकेशन के ऊपर बेसिस है। सुप्रीम कोर्ट लेड डाउन अ न्यू कंसेप्ट ऑफ इक्वलिटी विच इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक नया कंसेप्ट दिया इक्वलिटी का, जो कि ट्रेडिशनल कंसेप्ट से अलग है रीजनेबल क्लासिफिकेशन के। आर्टिकल 14 स्ट्राइक्स एट द आर्बिट्रीनेस इन स्टेट एक्शन एंड एंश्योर्स फेयरनेस एंड इक्वलिटी ऑफ ट्रीटमेंट। तो आर्टिकल 14 एक तरीके से स्टेट की आर्बिट्रीनेस के ऊपर स्ट्राइक करता है, कि उसको खत्म करने की कोशिश करता है आर्बिट्रीनेस को, और इंश्योर करता है फेयरनेस एंड इक्वलिटी ऑफ ट्रीटमेंट, कि सभी के साथ फेयरनेस और इक्वलिटी हो ट्रीटमेंट के अंदर। प्रिंसिपल ऑफ रीजनेबलनेस प्रिवेड्स आर्टिकल 14। तो जो रीजनेबलनेस का प्रिंसिपल है ना, पूरे के पूरे आर्टिकल 14 के ऊपर प्रिवेड करता है, यानी कि पूरे के पूरे आर्टिकल 14 के ऊपर ये लागू रहता है। पूरा आर्टिकल 14 रीजनेबलनेस के ऊपर ही डिपेंड करता है, प्रिंसिपल ऑफ रीजनेबलनेस। देन दिस इज आर लास्ट केस, दैट इज नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। इट वॉज हेल्ड दैट मेंबर्स ऑफ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, नीदर मेल्स नॉर फीमेल्स, शुड बी ट्रीटेड एज थर्ड जेंडर। तो ये बात बोली गई कि जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोग होते हैं उनको हमें थर्ड जेंडर की तरह ट्रीट करना है। दे आर एंटाइटल टू इक्वल राइट्स लाइक एनी अदर सिटीजन्स ऑफ इंडिया। जैसे बाकी सिटीजन्स को राइट मिलते हैं, ऐसे ही जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनको भी राइट देने हैं। डिस्क्रिमिनेशन ऑन बेसिस ऑफ सेक्सुअल ओरिएंटेशन और जेंडर आइडेंटिटी इंक्लूड्स एनी डिस्क्रिमिनेशन। तो जो हम अगर सेक्सुअल ओरिएंटेशन के बेसिस पे कोई डिफरेंस कर रहे हैं, जेंडर आइडेंटिटी के बेसिस पे कोई डिफरेंस कर रहे हैं, तो किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा। एक्सक्लूजन, रिस्ट्रिक्शन और प्रेफरेंस विच हैज द इफेक्ट ऑफ नलीफाइंग और ट्रांसपोजिंग इक्वलिटी बाय द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ गारंटीड अंडर अवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमें इस तरीके से कोई भी जो डिफ्रेंशिएशन है वो नहीं करना, अदरवाइज हम जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ या इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात कर रहे हैं वो हमारी पूरी नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस के अंदर बोला गया। इसके अलावा भी कुछ केसेस है, बट ये जो केसेस हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट केसेस हैं, इनको जरूर याद रखिएगा। आई होप आपको ये सारे केसेस समझ आए हों और आपको वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और अगर आप जुडिशरी कोचिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।